नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज फिर एक वीडियो में। मैं अंकुश गर्ग आज आपसे बात करूंगा मैथन अलॉयज़ लिमिटेड के बारे में। मैथन अलॉयज़ लिमिटेड आप देख सकते हैं एक फेरो अलॉयज़ अलॉयज़ बनाने वाली कंपनी है, और ये बिज़नेस में मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और एक्सपोर्ट भी करती है। और इनका मोर देन 50% का टर्नओवर एक्सपोर्ट से आता है, 50% से भी ज़्यादा ये एक्सपोर्ट करते हैं। और डोमेस्टिकली इनके सेल सबसे बड़ा क्लाइंट है, जो कि डोमेस्टिक ही 80% इनके माल खरीदता है। तो ये फेरो अलॉयज़ बनाते हैं, फेरो मैगनीज, सिलिकॉन मैगनीज, फेरो सिलिकॉन। तो बेसिकली स्टील प्रोडक्शन में ये चीज़ें यूज़ होती हैं, और जैसे जैसे स्टील की प्राइसेस बढ़ती हैं इनको भी फ़ायदा होता है। तो आप समझ सकते हैं ये कमोडिटी बिजनेस है। कमोडिटी बिजनेस मतलब कि एक साइक्लिकल बिजनेस होते हैं, और इनकी जब साइकिल चलती है तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं और फिर बहुत ही तेज़ी से ये नीचे भी जाते हैं। तो ये हाई रिस्क और हाई गेन वाले स्टॉक्स होते हैं या बिजनेसेस होते हैं। हालांकि इनकी जो मैनेजमेंट है उनका कहना है कि वो अपना डेट जो है वो कंट्रोल में रखते हैं, और वो कभी भी 0.5 से ऊपर डेट नहीं ले जाएंगे, यानी कि डेट इक्विटी रेशियो कभी भी 0.5 से ऊपर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ये समझते हैं ये एक साइक्लिकल बिजनेस है। बट स्टिल ऐसे स्टॉक्स में अगर आप पोजीशन बना रहे हैं, आपको एक स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कमोडिटी साइकिल जैसे ही चेंज होती है इनमें एक बहुत अच्छी गिरावट होती है। हाल ही में कमोडिटी साइकिल में प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ क्योंकि यूएस चाइना की जो डील है वो पास में आ रही है। यूएस चाइना की डील हमें 15 जनवरी को साइन होगी फर्स्ट फेस, और ये डील साइन होने की वजह से हमने काफ़ी सारे कमोडिटी शेयर्स हैं जहाँ पे हमने अच्छी उछाल देखी है। तो उनमें से एक शेयर है मैथन अलॉयज़। अब मैथन अलॉयज़ में हम देख सकते हैं कि इनकी बैलेंस शीट भी ठीक है, तो वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। हालांकि थोड़ा बहुत डेट है इनके ऊपर, और आप सेल्स देख सकते हैं, सेल्स इनकी स्टेबल है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, अराउंड 450 to 500 जैसा ये एवरी क्वार्टर करते हैं। एनुअल रेवेन्यू भी इनके अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़ जैसे हैं। और अगर इनकी बैलेंस शीट में हम डेट देखेंगे तो डेट बिल्कुल कम है। लास्ट जो इन्होंने रिपोर्टेड डेट है इनका सितंबर 2019 का, वो केवल 4 करोड़ रुपीज़ का है। तो डेट रिपेमेंट इनकी काफ़ी अच्छी हो रही है, और आप देख सकते हैं इनके पास 599 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस कंपनी की मार्केट कैप देखोगे तो 1600 करोड़ की है। अब 1600 करोड़ में अगर आप देखेंगे कि इनके पास 600 करोड़ के इन्वेस्टमेंट है, यानी कि ये करो कंपनी केवल 1000 करोड़ की मार्केट कैप पे अवेलेबल है। और अगर हम इनके प्रॉफिट्स देखेंगे एनुअली, तो इनके जो एनुअल प्रॉफिट्स हैं वो हैं अप्रॉक्सीमेटली 200 करोड़ के रेंज में। तो 250 लास्ट ईयर थे, इस साल 220 एक्सपेक्टेड है, बट ये इससे अच्छा कर सकते हैं। लास्ट में 255 थे, तो 1000 करोड़ की कंपनी ऑलरेडी 250 करोड़ का प्रॉफिट ये जनरेट कर रहे हैं। तो हमें केवल 4 से 5 के पी पे ये कंपनी अवेलेबल है, लेकिन हाल ही में टेक्निकली भी इसमें बहुत अच्छे हमें चार्ट पैटर्न पे ब्रेकआउट देखने को मिला, इसलिए हमने स्टॉक आज रिकमेंडेशन या वीडियो में बनाया है। तो आप देख सकते हैं ये 2018 यानी कि जनवरी 2018 के हाई के बाद पहली बार इसने ये जो डाउन ट्रेंड लाइन है उसको तोड़ा है, और साथ ही साथ अपना 200 डे मूविंग एवरेज भी तोड़ा है। तो जब ये 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ता है, तो आप देख सकते हैं लास्ट टाइम भी जब इसने तोड़ा था इस लाइन पे ही रेजिस्टेंस लिया, लेकिन अच्छा मूवमेंट दिया था वहाँ से, अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपीज़ के पास तोड़ के ये डायरेक्ट 700 रुपीज़ तक गया था। तो ये इस बार भी हमें उम्मीद है कि ये अपना फर्स्ट टारगेट इसको हिट कर सकता है जल्दी, और ये फर्स्ट टारगेट होगा और ये सेकेंड टारगेट होगा। तो 700 रुपीज़ का फर्स्ट टारगेट होगा और 1000 रुपीज़ का सेकेंड, लेकिन इसमें जो स्टॉप बन रहा है वो थोड़ा सा डीप बन रहा है, ये करीब 444 का और 400 रुपीज़ का। तो आप इसको यहाँ पे जब डिप्स पे बाय कर सकते हैं जब ये दोबारा से इस लाइन को टच करे, तो अप्रॉक्सीमेटली
545 से 550 के रेंज में आप इसको बाय कर सकते हैं। आपका ये 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होगा और ये मिनिमम 150 के टारगेट्स होंगे। लेकिन अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम में रखते हैं और इसमें 150 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखते हैं, यानी कि 400 रुपीज़ का, तो हम इसमें पोजीशन को लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं और हम 1000 रुपीज़ के टारगेट भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, ये रिस्की बिजनेस होते हैं क्योंकि ये साइक्लिकल या कमोडिटी के बिजनेसेस होते हैं, तो बहुत जल्दी इनकी साइकिल बदल सकती है। लेकिन आप इस शेयर पे निगाह बना के रख सकते हैं, ये अपने ट्रेंड लाइन को वापस से रीटेस्ट करता है या अपने 200 डेमा पे आके सपोर्ट लेता है, तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट होगा आपके लिए पोजीशन बनाने के लिए। तो 450 से अप्रोक्सीमेटली, सॉरी, 550 से 500 के रीजन में ये यहाँ पे आप पोजीशंस बना सकते हैं, और हो सकता है इस बार ये अपना 200 DMA ना तोड़े। तो आप इस शेयर पे निगाह बना के रख सकते हैं, कोई भी पोजीशन इसमें बना रहे हैं तो अपने एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।